शादी हो जाएगी तो जल्दी हो जाएगी, ऐसा जल्दी नहीं लोगों को मंडियाली धाम खाने का मौका मिलेगा। जी जी, और आप लोगों को भी, आप लोगों को भी आज से ही इनवाइट करता हूँ मंडियाली धाम के लिए। हमें एडवांस में मिल गया है शादी का। कंगना जी प्यास अरे थी मंडी बोला है ना, मंडियाली अंदर बोला है कि जितने भी तुसा मठाई थी अपने मंडी राय देखना, हिमाचल राय देखना, कितने बाहर ला देखना। देखो जी बोला है मठा अच्छा होना चाहिए के थीरा भी हो जाए। वो ये हमारा पुश्तैनी घर है, इसी घर में वो पैदा हुई है। 3 मार्च 1987 को उसका जन्म हुआ था। मेडिकल में उसने 85% जो है वो नंबर लिए हैं। पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत लाइक थी। सर अगर एक्टिंग की बात की जाए तो उनका झुकाव एक्टिंग की तरफ कब हुआ? जैसे वो दिल्ली गए, उन्होंने एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन किया था वहाँ पर, तो उनकी लाइफ में ये टर्न कब आया? एक्चुअली जब ये प्लस वन में पढ़ रही थी तो उसी वक्त से कुछ छोटे छोटे रोल इसको मिले थे। फिर हम इसके साथ नहीं थे, घर वाले भी नहीं थे, क्योंकि हम विलेजर लाइफ है हमारी, गांव की लाइफ है, तो हमें ये सारी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि कहाँ ये क्या कर पाएगी। हमने इसको बोला ठीक है, ऑल राइट। फिर उसने बोला अगर मैं नहीं बनी तो मैं डॉक्टर ही बनूंगी और मैं आपको डॉक्टर बन के दिखा भी दूँ। लेकिन कई बार उनके बयानों पर बड़े विवाद भी हो जाते हैं, तो क्या जब उनके ऐसे विवादित बयान आते हैं तो क्या उस वक्त आपकी तरफ से कोई उनके लिए सलाह रहती है? आप सबको मैं बता दूं, इस वक्त हम भांबला में हैं कंगना जी के पुश्तैनी घर में, और आप मेरे बगल में देखेंगे अमरदीप रनौत जी बैठे हैं, कंगना जी के पिताजी हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे कंगना जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में, और भी इनसे कुछ सवाल और जवाब करेंगे हम। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का शुक्रिया, आप लोग आए हैं, स्वागत है। सर देखिए अभी मैं सीधे सवाल पे आती हूँ, मैं जानना चाहूँगी अभी कंगना जी को, आपकी बेटी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से टिकट मिला है और हिमाचल के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र का टिकट मैं कहूँगी मिला है कंगना जी को, तो क्या माहौल है जैसे ही उनको टिकट मिला उसके बाद एकदम से क्या माहौल चेंज हुआ, आपको चेंजेस नज़र आए वो सब बताइए। पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जी हैं हिमाचल प्रदेश के। मैं इन सब का बहुत धन्यवादी हूँ कि मेरी बेटी को इन्होंने एक चुनौती भरा काम जो है वो इस मंडी क्षेत्र से दिया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी जो इस काम को अच्छे ढंग से और ठीक ढंग से कर पाएगी। अमरदीप जी उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई है, उनके एजुकेशन के बारे में, उनका जो बचपन है कहाँ बीता है वो बताइए। वो ये हमारा पुश्तैनी घर है, इसी घर में वो पैदा हुई है। 3 मार्च 1987 को उसका जन्म हुआ था। फिर जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसकी स्कूली शिक्षा जो है यहाँ हमारे एक हिल व्यू पब्लिक स्कूल होता था, प्राइवेट स्कूल, उसमें हुई है। वो जो नज़दीकी है भांबला में, यहाँ हमारे नज़दीकी था। मैट्रिक तक तो उसने यहीं शिक्षा प्राप्त की है, और प्लस टू में फिर वो चंडीगढ़ 15 सेक्टर DAV जो गर्ल्स है उसमें उसने प्लस टू की, और मेडिकल में उसने 85% जो है वो नंबर लिए हैं। पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत लाइक थी। सर अगर एक्टिंग की बात की जाए तो उनका झुकाव एक्टिंग की तरफ कब हुआ? जैसे वो दिल्ली गए, उन्होंने एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन किया था वहाँ पर, तो उनकी लाइफ में ये टर्न कब आया? एक्चुअली जब ये प्लस वन में पढ़ रही थी तो उसी वक्त से कुछ छोटे छोटे रोल इसको मिले थे करने के लिए, तो वो करती रही, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चला था। फिर जब प्लस टू में हुई तो इसका हमें पता चला कि ये कुछ फिल्मी दुनिया में जाना चाहती है और एक्टिंग को अपना प्रोफेशन मानना बनाना चाहती है। फिर हम इसके साथ नहीं थे, घर वाले भी नहीं थे, क्योंकि हम विलेजर लाइफ है हमारी, गांव की लाइफ है, तो हमें ये सारी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि यहाँ ना तो थिएटर थे, ना कोई ऐसी मैगजीन आती है, ना कोई मतलब कोई भी ऐसे एंटरटेनमेंट के कोई ऐसे साधन नहीं थे जिससे लोगों को भी पता नहीं था, हम लोगों को भी पता नहीं था, तो इसलिए हम लोग उसको वो करते रहे, पीछे उसको खींचते रहे। फिर एक इसका आयूर का कॉन्टेस्ट था जो उसका प्लस टू में आया था, तो उसने जब वो घर आई तो उसने एक शर्त रखी कि मैं ये आयूर का जो कॉन्टेस्ट है इसमें अगर कुछ बन जाती हूँ
तो मुझे मत पूछना उसके बाद मेरे, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। फिर हमने भी, जैसे हम गांव के लोग हैं, हमने सोचा कहाँ ये क्या कर पाएगी, हमने इसको बोला ठीक है ऑल राइट। फिर उसने बोला अगर मैं नहीं बनी तो मैं डॉक्टरी बनूंगी और मैं आपको डॉक्टर बन के दिखा भी दूंगी। फिर हम लोगों ने मान लिया। उसके बाद ये आयूर ने, आयूर में उसका सेकंड रनर अप आया, आयूर वालों ने इसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। फिर उसके बाद वो सीधा फिर दिल्ली, दिल्ली में अब मेरे को याद नहीं वो कौन सा थिएटर था, उसमें एक साल उसने थिएटर किया। उसके बाद वो बॉम्बे चली गई, बॉम्बे में भी उसने मेरे ख्याल 5-6 महीने थिएटर किया। उसके बाद आशा चंद्रा का एक डांसिंग स्कूल है बॉम्बे में, वहाँ उसने एक साल डांसिंग कोर्स किया। फिर जैसे एक स्ट्रगल होता है हमारे लोग जब यहाँ से जाते हैं, तो उसका जो स्ट्रगल था वो शुरू हो गया। अनुराग बासु जी उसको कहीं किसी कॉफ़ी शॉप में मिल गए और वहाँ उनकी मुलाकात हुई, तो इसके बाल घुंघराले हैं और ये शराबियों जैसी दिखने लगी, क्योंकि डायरेक्टर को तो एक लुक चाहिए। उसने उसको उसी वक्त देख लिया, तो फिर उसने उसको प्रपोज़ किया इसके लिए, गैंगस्टर के लिए। तो पहली इसकी मूवी फिर गैंगस्टर आई और वो काफ़ी हिट हुई। हम भी देखते आए हैं कि कंगना जी को बड़े हाई वोल्टेज महिला के रूप में जाना जाता है, और कई बार जैसे आपने खुद कहा कि वो बड़ी बेबाकी से अपनी जो बात उनको कहनी थी वो सीधे कह देती हैं, लेकिन कई बार उनके बयानों पर बड़े विवाद भी हो जाते हैं, तो क्या जब उनके ऐसे विवादित बयान आते हैं तो क्या उस वक्त आपकी तरफ से कोई उनके लिए सलाह रहती है? क्या होता है कि जब भी कोई बात कहता है तो कई बार उसके जो कहने का, उसके दिमाग के जो अंदर बात होती है वो कहती कुछ और है, लेकिन जो दूसरा आदमी है उसको दूसरे ढंग से उसको पेश कर देता है, तो कई बार ऐसा होता है। तो कई बार हो भी जाती है कंट्रोवर्सी, तो ये ज़िंदगी में चला रहता है छोटी मोटी बातें तो। लेकिन बहुत जिम्मेवार बेटी है, बहुत समझदार है, बहुत होशियार है और ईमानदार है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कि किसी के वहाँ। देखिए कंगना जी काफ़ी छोटी उम्र में मंडी से बाहर निकल गई हैं, वो हिमाचल से बाहर के चंडीगढ़ रही, दिल्ली रही, उसके बाद बॉम्बे रही, उसके बाद भी और कई जगहों पे रही हैं। तो मंडी में यानी कि उनकी जो, जैसे कहते हैं कि एक बड़े होने के बाद या व्यस्त होने के बाद की उनकी उम्र है जो मैक्सिमम बाहर ही बीती हुई है, लेकिन अभी अब उनको टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से, तो मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा ये एरिया है, तो क्या स्ट्रेटेजी आगे रहेगी, कैसे वो लोगों से मिलेंगी, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, 2 महीने का सिर्फ समय है इस चुनाव को कवर करने के लिए, और आगे किस तरह से कंगना जी लेके चल रही हैं इस चुनाव को, कैसे मतलब कवर किया जाएगा पूरा एरिया? हमारा मंडी क्षेत्र सचमुच में ही पूरे भारतवर्ष में 2nd नंबर पे आता है। इसकी जो क्षेत्रफल है बहुत लंबा चौड़ा है और काफ़ी टफ भी है, काफ़ी हार्ड है, जिसमें आना जाना भी मुश्किल होगा। लेकिन हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग जैसे जैसे वो कहेंगे उस ढंग से हम ये जो अभियान है इसको हम अंजाम दे रहे हैं और चल रहे हैं, और अभी समय भी है हमारे पास काफ़ी, इस करके हमें लग रहा है कि हम इसको पूरे मंडी क्षेत्र को कवर कर पाएंगे। ओके, कंगना जी खुद जगह जगह जाकर, हर एक जगह जाकर लोगों से मिलेंगी? इतना पॉसिबल तो नहीं हो सकता कि हर जगह जाए, लेकिन जो मेजर और जो इम्पोर्टेंट जो जगह हैं उनके वहाँ पे जाएंगी, लोगों को हम उनसे रिक्वेस्ट करके इकट्ठा होने के लिए बोलेंगे, ताकि वो कंगना के जो विचार है वो सुने, उनको समझे और कंगना के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। अमरदीप जी, अभी मेरा अगला सवाल कंगना जी की निजी ज़िंदगी से रहेगा। देखिए हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी हो, तो शादी को लेके उनका क्या कहना है? देखिए माँ बाप भी तो ऐसा ही चाहते हैं कि अब शादी हो जानी चाहिए, लेकिन अब उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसमें भी हम तो मतलब काफ़ी दखल अंदाजी करते हैं कि भी अब शादी हो जानी चाहिए, लेकिन अब उसका भी अपना वो है, शादी हो जाएगी तो
जल्दी हो जाएगी, ऐसा जल्दी नहीं लोगों को मंडियाली धाम खाने का मौका मिलेगा। जी जी, और आप लोगों को भी, आप लोगों को भी आज से ही इनवाइट करता हूँ मंडियाली धाम के लिए। इनविटेशन हमें एडवांस में मिल गया है शादी का कंगना जी की। हाँ सर, अच्छा सर, फिर जी हाँ सर, इतनी मंडी बोला है ना, मंडियाली अंदर बोला है कि जितने भी तुसा मठा इतनी अपने मंडी राय देखना, हिमाचल राय देखना कि कितने बाहरला देखना। देखो जी, बोला मठा अच्छा होना चाहिए के थीरा भी हो जाए। मठा, हाँ मठा अच्छा होना, मंडी का मिल जाए तो और भी बढ़िया है। हाँ जी, तो मतलब यहाँ पर अगर तू सारी खोज मतलब मेन मंडी नहीं जा रही है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जे मिली जाएगा तो ठीक है, जे बाहर रहते होगा कुछ तब भी ठीक है। तो ऐसा है, कोई हम भी चाहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए। हर एक पेरेंट्स को डरना कि फटाफट ब्याह हो ही जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही चाहते हैं, ऐसा ही चाहते हैं हम। अच्छा, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए, और आपको हमारी पूरी टीम तरफ से शुभकामनाएं आगे कैंपेनिंग के लिए। धन्यवाद जी, आपके चैनल का भी मैं धन्यवादी हूँ, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। आगे भी आप हमारे मंडी क्षेत्र में भी आते रहें और लोगों से मिलते रहे, सबकी सुझाव हमें भी दें, हमारा भी मार्गदर्शन करें। धन्यवाद, नमस्कार। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।